अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो क्योंकि आज मेरी सिस्टर का बोर्ड का एग्ज़ाम था। जब मैं ऊपर आई तो वो सो रही थी। पेपर उसका था सुबह 8:30 पे, और मैं तकरीबन आई हूँ 8:45 पर। तो जब मैं आई हूँ तो वो ऊपर सो रही थी, तो उसको सोता हुआ देख के यकदम से तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि ये अभी तक सो रही है। इसका तो 8:30 पर पेपर था, वो भी सालाना पेपर था। मैंने जल्दी जल्दी जब परेशानी में उसको उठाया कि उठो, तुम्हारा तो पेपर है आज, तो कहती मेरा पेपर तो 20 अप्रैल को है। मैंने फिर मोबाइल देखा तो मोबाइल पे डेट भी 20 अप्रैल आ रही थी। मैंने उसको हिलाया, मैंने कहा उठो, होश करो, आज 20 अप्रैल ही है। फिर वो हंसने लग गई, मुझे कहती है तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। मैं गई थी सुबह पेपर देने के लिए, तो स्कूल वाले कहते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है, आपका पेपर अब नेक्स्ट मंथ होगा। ये सुन के मैं रिलैक्स हुई, हालांकि पेपर उसका था और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी जब मैंने उसको सोए हुए देखा ना आके। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। आज मम्मा भी स्कूल नहीं गई हुई थी, मम्मा ने भी छुट्टी की हुई थी। मम्मा ने आज सारे जो सर्दियों के बिस्तरे वगैरह, रजाइयाँ तलाइयाँ सारा कुछ आज रखना था पेटियों में और अलमारियों में सेट करके, इसलिए मम्मा ने छुट्टी की थी आज। आज शायद मैं जल्दी उठ गई थी, इस वजह से मुझे दिन भी बहुत लंबा लंबा सा लग रहा था। जैसे गर्मियों के दिन होते हैं लंबे लंबे और दोपहर होती है खामोश, पुरसकून से फीलिंग आ रही होती है, वैसे आज दिन लग रहा था। फिर एक गाँव की आंटी को मम्मा ने बुलाया हुआ था, जो रज़ाई के ऊपर कपड़ा चढ़ा कर तो उसके ऊपर से सिलाई करते हैं वो करने के लिए। ये मम्मा ने रमज़ान का धो के रखा हुआ था सारा कुछ, बस इनके ऊपर कपड़ा चढ़ा के सिलाई करने वाले रहते थे। उसके लिए मम्मा को टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मम्मा स्कूल से रोज़ा रखा होता था, फिर स्कूल जाती थी, स्कूल से आके फिर अफ्तारी की तैयारी भी करनी होती थी, ऐसे दिन गुजर जाता था। अब ईद आ गई, उसके बाद अब मम्मा को टाइम मिला, फिर मम्मा स्कूल से छुट्टी करके आज तो ये वाले सारे काम कंप्लीट कर रही हैं। मैं वीडियो बना रही थी तो फिर मम्मा मुझे कहती है वीडियो बाद में बनाना, पहले आंटी के लिए चाय बना के लेके आओ। फिर मैं चाय बनाने के लिए चली गई, मैंने 2 कप चाय बनाई, एक आंटी के लिए और एक अपने लिए। मैं तो वैसे डाइट स्टार्ट की हुई है तो मैं चाय वगैरह नहीं पीती, वैसे मुझे चाय इतनी पसंद भी नहीं है, क्योंकि कई लोगों को होता है चाय का बड़ा शौक होता है, वो चाय ना पिए तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाती है या वो एक्टिव फील नहीं करते। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं चाय ना भी पीऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बना रही थी तो बनाते बनाते मेरा दिल कर गया, फिर मैंने अपने लिए भी चाय बना ली 1 कप, लेकिन मैंने विदाउट चीनी बनाई अपने लिए। मैंने जो आंटी के लिए बनाई उसमें चीनी ऐड कर दी थी, पहले अपने लिए वो निकाल ली थी बगैर चीनी के, फिर मैं उनको चाय देने के लिए चली गई। फिर फाइनली सारा दिन लग के आज ये जो काम था मम्मा इतने अरसे से करना चाह रही थी वो हो गया। उसके बाद हमने सारा रज़ाइयाँ वगैरह उनको तय लगा के तो पेटी के अंदर रख दिया, ये हमने सारा कुछ रख के इसको बंद कर दिया है। अब ये साफ़ करके इसको हम इसके ऊपर वापस रख देंगे। ये सारा काम ख़त्म हो गया तो मेरे काम की बारी आ गई थी, जो काम मैंने करना था। मैं नीचे स्टोर से जा के तो ये सीढ़ी ले आई हूँ। अब हम अलमारी के ऊपर वाले खाने में जो बिस्तरे वगैरह जैसे एक्स्ट्रा कंबल और तकिए वगैरह वो रखने लगे हैं। बचपन से ही मम्मा ना ये वाला काम मुझसे ही करवाती हैं, ये सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर अलमारी में चीज़ें रखने वाला, और मुझे सबसे ज़्यादा यही काम बुरा लगता है। जब हम पुराने घर में रहते होते थे तब वहाँ पे ना एक गैलरी होती थी ऊपर, वहाँ पे भी ना मम्मा ने अपने जूते वगैरह रखे होते थे, तो मेरी मम्मा शुरू से ही मैचिंग जूते कपड़ों के साथ पहन के स्कूल जाती रही हैं। फिर वो हर 1-2 दिन के बाद ना मुझे गैलरी पे ऊपर चढ़ना पड़ता था, तब से मुझे ना इस काम से शदीद उलझन और जैसे बहुत बुरा काम लगता है मुझे ये ऊपर चढ़ के चीज़ें रखने वाला। लेकिन क्या करें, अब घर वालों को जो एक काम करके दिखा दो सही, फिर वो काम हमेशा के लिए करना पड़ता है। बस फिर यही सीन है, मुझे हमेशा ये काम करना पड़ता है। ये काम ख़त्म करके मुझे तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, और खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो फ्रिज में सिर्फ ये बैंगन पड़े हुए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी से बैंगन की सब्ज़ी बनाई। मेरी बहनें कह रही थी कि हमने आज मैकरोनी खानी है, फिर मम्मा ने मुझे मैकरोनी के लिए सब्ज़ियाँ काट के दी और सब्ज़ी बना के दी। किचन में मैं आ गई हुई हूँ और अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। एक साइड पे मैंने पानी रख दिया है मैकरोनी बॉयल होने के लिए, पानी गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड पे मैंने प्याज और प्याज में ऑयल डाल दिया है। मैकरोनी निकाल लेते हैं और उसको धो के मैं साइड पे रख लेती हूँ। इधर पानी मेरा तकरीबन गर्म हो गया लेकिन अभी इसको बॉयल नहीं आया, तो प्याज भी मेरा पिंक हो गया जैसा मैंने करना था। मैंने इसके अंदर नमक मिर्च पानी वगैरह डाल के इसका मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ी डाल दूँगी, इतनी देर में शायद मेरा पानी भी मैकरोनी वाला बॉयल हो जाएगा।
पानी मेरा बॉयल हो गया है, मैक्रोनी वाला, मैं इसके अंदर मैक्रोनी डालने लगी हूँ, मैक्रोनी बॉयल हो जाएगी, इतनी देर में मेरा सालन वगैरह भी बन जाएगा। सालन में वो आलू डालने का भी टाइम आ गया था तो मैंने आलू भी डाल दिए। मैक्रोनी मेरी बॉयल हो गई थी, मैक्रोनी मैंने निकाल लिया। अभी इसी बर्तन में मैंने प्याज रख दिया पिंक होने के लिए। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो को क्लिक करके ओपन कर ही लेते हो तो फिर इसको पूरा देख लिया करो, या तो फिर आप लोग इसको ओपन ही ना किया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह फिर मैं अपने घर जा रही हूँ।